पहले थोड़ा सा प्रीव्यू तो देख लीजिए जी। एप्स वर्कआउट करवाया, बोलो कैसा लगा? यम्मी। प्रेजेंटिंग ब्लॉग नंबर 6। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। सो गाइस, आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ब्लॉग नहीं होने वाला है, इसमें मैं अपना फुल डे ब्लॉग बनाने वाला हूँ, जिसका अंदर आज होने वाला है हमारी प्यारी छोटी जी का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो उसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है? बर्थडे सेलिब्रेशन मिस मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए आज हमारा दिन शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पे हमारी प्यारी छोटी जी मेरे रूम की ओर निरीक्षण कर चुकी है। अच्छा, तो छोटी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो आज क्या क्या प्लानिंग है बताओ मेरे को, कुछ क्या क्या करना है? हाँ तो किसको? अच्छा, क्या गिफ्ट चाहिए? साइकिल चाहिए। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं। और कुछ नहीं, सच में? जल्दी जल्दी बोलो। और दादी से मांगूंगी मोती, और दादी की दादी से मैं मांगूंगी बैट बॉल। दीदी से क्या मांगी? दीदी से डॉक्टर सेट। डॉक्टर तेरा घर जाएगा इसमें। चल ब्रश करेगी। चल नानी ओमाए वा मो शिंदे इरु। गाइस, फिर मैंने नाश्ते में दो केले लिए और ये ब्रेड। तो ब्रेड को मैंने पहले तवे पे इस तरीके से पका लिया, घी लगा के पकाना या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर जो भी है मैं वो कर रहा हूँ, उससे ये और ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर हमने उसे शेयर करके खा लिया। फिर हम निकले पार्क के लिए, बिकॉज बर्थडे गर्ल को थोड़ा फिट भी तो रखना पूरे दिन के लिए। मैंने उनसे करवाया ये लेग प्रेस, जो कि आप देख सकते हैं। फिर मैंने उनका एब्स वर्कआउट करवाया जी, देख सकते हैं काफी खूबसूरती से कर रहे हैं। शाबाश। जैसे कि आज छोटी का बर्थडे, तो सब कोई बिजी है, दीदी भी बिजी है, जीजू भी बिजी है, तो मैं उन लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ। तो ये है मैगी जो दीदी के लिए बना रहा हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगा कुछ अपने जीजू के लिए। तो देखिए मैं क्या बना रहा हूँ। चलो भाई देखो अपने क्या। तो गाइस चलिए जीजू के लिए कुछ बनाते हैं। तो उसके लिए मेरे पास ये ब्राउन ब्रेड, दो अंडे। तो चलिए बनाते हैं। देखा अपने लापरवाही का नतीजा है। तो यहाँ पे हमारा प्याज कट के रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट हमें करना क्या है, इस कटोरी में अंडों को डालना है। कहाँ भाग गए तो दोस्त, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। और वाह क्या एक्टिंग कर। फिर थोड़ी सी नमक, थोड़ी और। जी हाँ, तो नमक का रिक्वायरमेंट हो गया है। अब बारी आती है हल्दी की। गाइस, कुकिंग जो सीन है वो ज़्यादा क्लासी नहीं होने वाली, बिकॉज रिमेंबर दिस इज अ ब्लॉग चैनल, नॉट अ कुकिंग चैनल। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो मैंने यहाँ पे मिला लिया था, अब इसको ब्रेड में लगाना है।
Just cool and into the mouth. किसी को पता नहीं चलेगा ब्रो। आज यहाँ पे नाश्ता रेडी हो चुका है, तो चलिए इसे चीजा को दिया जाए। खा के बताइएगा कैसा रहा। Still waiting for his answer। बोलो कैसा लगा। Yummy। Yummy ना। Thanks। Love you। पूरा रास्ता बारिश किया। अच्छा तो रेनकोट तो पहनी थी ना, तो कुछ तो हो नहीं रहा होगा। हाँ पहने थी, तभी थोड़ा थोड़ा हम भीग रहे। तो ठीक है, बहुत स्ट्रगल। अच्छा तो मैं इन लोगों के बारे में बताती हूँ। इन लोग पहले अपने बचपन में बहुत छोटी थी, तभी इन लोग बहुत सबको बहुत परेशान करती थी। तभी इसके पापा फिर उसको बहुत मारे। जब भी मैं मम्मी का शादी हुआ तभी इन लोग रंगे तरफ फोटो खींचा, ये किए वो किए, लेकिन इनका तब भी नहीं मन भरा है। तो पता नहीं क्यों मुझे ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ गया और मैं हाथापाई पे उतरा। सो गाइस, अब बारी आती है हर एक बर्थडे पार्टी की सबसे स्ट्रगलिंग पार्ट, वो है डेकोरेशन। ये दिखता बहुत कम है पर होता बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, अभी तक तो कोई पार्टनर आया है नहीं। तो गाइस रुके, मैं इन लोगों को बताता हूँ। प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ। आप यू वांट टू सी अ मैजिक, लुक एट दिस मास्टरपीस। मैंने इसे लगाया है, देखिए अब तो और भी काम बाकी है। देखिए अगर आपको डेकोरेशन के लिए बुलाना है तो मेरा नंबर लिखिए, नंबर लिख 97981। इसके आगे डम डे का डम डम डम। सॉरी। तो गाइस जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, मेरा डेकोरेशन काफ़ी क्लासी होते जा रहा है। बिकॉज मुझे अलग अलग तरह के सामान मिलते जा रहे हैं, जैसे इसको देख सकते हैं काफ़ी क्लासी प्रोडक्ट है और मैंने इसे काफ़ी क्लास तरीके से यूज किया है। तो मैं आपको फिर से ऑफर बता देता हूँ, अगर आप मेरे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा नंबर मैंने पहले ही बता दिया है। सो गाइस यहाँ पर हमारी प्यारी आ चुकी है बिल्कुल सच सवर के। छोटी बताओ डेकोरेशन कैसा है। बहुत अच्छा, मुझे पसंद आया। बहुत पसंद आया। कितना पोत क्या है। नहीं ठीक है ठीक है, अच्छा है। गुड लुकिंग प्रिंसेस। सो गाइस फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सो हियर वी गो। तो गाइस बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद हमने बच्चों के लिए कुछ जलपान का व्यवस्था किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं बट रहा है, काफ़ी लजीज था मैं आपको बता दूं। सो गाइस हियर इज द एंड ऑफ आवर बर्थडे ब्लॉग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, गांधी जी आप ही बता दीजिए। थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।